हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माहीस डायरी में। जैसे कि आप जानते हैं मैं अमृतसरी हूँ, तो चलिए आज एक अमृतसरी रेसिपी बताती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी सब्जी जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता। इवन अमृतसर में भी मेरे कुछ ऐसे नोन्स या फ्रेंड हैं जिनको मैंने बोला जबकि मैं अपनी फेवरेट रेसिपी चावल की सब्जी डालने जा रही हूँ, तो कहते क्या चावल की मतलब सब्जी होती है, मैं तो पता भी नहीं था। तो ये रेसिपी उन सब लोगों के लिए है जिन्हें नहीं पता कि कितनी टेस्टी सब्जी बनती है, वो भी सिंपल चीज़ों से। तो इसके लिए चाहिए हमें चावल। तो मैंने लिए है ये ऐसे एक कटोरी बासमती टोटा चावल, जिसे मैंने आधा घंटे पहले ही अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। वैसे तो किसी भी चावल से ये सब्जी बन जाती है, लेकिन टोटा चावल बेस्ट रहते हैं इसके लिए। आप इंस्टेंटली चावल को वॉश करके भी सब्जी को बना सकते हो, बस 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे और कोई बात नहीं। चलिए, सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने लिया है 2-3 टेबलस्पून तेल। अब मैं इसमें डालूंगी वड़ी। ये अमृतसरी वड़ी है, मसालेदार तीखी वड़ी। आजकल ये वड़ियाँ हर जगह बड़ी इजीली मिल जाती है, इवन ऑनलाइन भी मिल जाती है। ये तो मैं ये आधी वड़ी यूज़ करूंगी क्योंकि मुझे वड़ी खाने से ज़्यादा उसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। तो आपको अगर वड़ी खाना भी बहुत अच्छा लगता है तो आप पूरी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वड़ी को थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए सब्जी में, और थोड़े से मोटे पीसेस भी रख लिए हैं ताकि जिनको नहीं खानी है तो वो निकाल सकते हैं। बस 5-6 सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि मसाले के साथ भी ये अच्छे से भुन जाएगी। तो मैं इसमें अब डालूँगी सबसे पहले प्याज। ये 2 बारीक कटे हुए प्याज हैं, मैं इसको डाल दूँगी। और जब ये अच्छे से सॉटे हो जाएंगे, मतलब थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, तो इसमें ऐड करूँगी 2 बारीक कटे हुए टमाटर। थोड़ा सा ये जूस मैंने बचा लिया। आपको पता है मैं इससे क्या करती हूँ, टैनिंग दूर करती हूँ मैं इससे की अपनी स्किन की। जस्ट सिंपली ऐसे हाथ पे लेकर इसे अपनी स्किन पे लगा लो, फेस पे लगा लो, तो बड़ा अच्छा ये नेचुरल टैन रिमूवर बन जाता है। फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है इसे यूज़ करने से। तो चलिए, प्याज टमाटर अच्छे से पक जाए इसके लिए डालूंगी मैं सबसे पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद 1 चम्मच जीरा, धनिया पाउडर, अजवाइन, इन सबको किया अच्छे से मिक्स। मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। मैंने अब डाली है 1.5 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। चलिए, मसाला अच्छे से जब पक जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे चावल। पानी मैंने निकाल दिया है, सारे चावल मैं डाल लूँगी जो मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे से। चावल को अच्छी तरह से पहले 1 मिनट के लिए मसाले में मैं अच्छे से पका लूँगी। सच्ची में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। जिसने कभी ये सब्जी ट्राई नहीं की ना, वो अब ज़रूर करना और बताना ज़रूर मुझे कि कैसी लगी। चलिए, अब इसमें डालते हैं पानी। वैसे तो मैं हमेशा अंदाजे से ऐसे ही पानी डाल देती थी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं जिनको सब्जियाँ नहीं बनानी आती है, उनके लिए स्पेशली मैंने मेजर करके ये पानी डाला है। मैंने 10 गुना पानी डाला है, यानी कि एक कटोरी जिस से चावल लिए थे उससे 10 कटोरियाँ पानी मैंने भर के इसमें डाला है। तो अब मैं इसको बंद करके 2 विसल्स दिलवा लूँगी पहले फुल फ्लेम पे, उसके बाद मैं बिल्कुल लो गैस कर दूँगी और 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूँगी और फिर खोल लूँगी पूरी स्टीम निकलने पे। और देखिए, बहुत अच्छी घुली घुली सब्जी रेडी हो गई है। मुँह में पानी आ जाता है मेरे तो ये सब्जी देख के। ये चावल की सब्जी रोटी के साथ खाओ, बड़ा मज़ा आता है। चलिए, ये सब्जी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी उबाल के डाल लेती हूँ, क्योंकि चावल की सब्जी है थोड़ा टाइम डाल के और थिक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2 कटोरियाँ पानी उबाल लिया, यानी कि टोटल हो गई 12 कटोरियाँ। तो चलिए, पानी उबाल के मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया बीच में। चलिए, सब्जी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी थिक ही अच्छी लगती है। टेस्टिंग टाइम, टेस्टिंग करके बस नमक वगैरह एडजस्ट करो और बस ये सब्जी रेडी है चपाती के साथ खाने के लिए या फिर ऐसे ही खाने के लिए। बहुत टेस्टी सब्जी होती है, बिलीव मी, ज़रूर ट्राई करना। जिसके घर में ये सब्जी ऑलरेडी बनती है वो लोग खाते हैं, डू कमेंट मी कि आपके लिए सब्जी नई नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि काफ़ी लोग ये खाते भी हैं। और जिसके लिए नई है वो प्लीज़ कमेंट करना कैसी लगी रेसिपी, और शेयर भी करना इस वीडियो को ताकि काफ़ी लोगों को पता चल सके कि चावल की सब्जी कैसे बहुत सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए, मेरा तो बाउल रेडी है, अब आपकी टर्न है। मेरी तो मम्मा बोलते हैं तो पागल है इस सब्जी के लिए। तो चलिए, आप भी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बताना मुझे कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।